जालौर धर्मशाला के कमरे में होमगार्ड ने किया सुसाइड। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर, जहां पर चोराव गांव में ड्यूटी पर तैनात था होमगार्ड गोविंद बाजक। आपको बताया सैला थाना इलाके के चोराव गांव की है पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चोराव गांव में ड्यूटी पर तैनात था होमगार्ड गोविंद बाजक, जिसके आपको बताया सैला थाना इलाके के चौराहे गांव की पूरी घटना जो है सामने आई है। जालौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धर्मशाला के कमरे में होमगार्ड में आत्महत्या कर ली। इस वक्त की इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जेठाराम परिहार इस समय जुड़ चुके हैं। जी हम देख रहे हैं कि होमगार्ड ने आत्महत्या करने की कोशिश की, बड़ी खबर ये जालौर से सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? ये तो सैला क्षेत्र के सोरव ग्राम का मामला है, और जहाँ ये सुरक्षा गार्ड तैनात था, और उन्होंने जो कल रात को है जैन धर्मशाला है वहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया है। वहाँ जो एक गाँव वालों ने स्थानीय रूप से निजी तौर पे एक गार्ड लगा रखा था, उन्होंने जब खाना खाने के लिए पता किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, और अंदर से जो जैन धर्मशाला है वहाँ के गेट बंद थे, तब उन्होंने पता किया तो वो किसी तरह की हलचल नहीं देखी, तब उन्होंने गांव वाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर कल रात को ही ये जो पुलिस पहुंची कमरे में लटकता पाया गया। जी डराम साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या रही आत्महत्या करने की, क्या कुछ खबर सामने आई है? जो है अब जो ये जो होमगार्ड है वो जालौर निवासी है, और उनके परिजन को सूचना कल रात को दी गई थी, अभी परिजन मौके पे पहुंचे नहीं है। जब परिजन मौके पे पहुंचेंगे तब जो धर्मशाला है उस धर्मशाला के कमरों का गेट खोल करके अंदर जाएंगे, और फिर सारी तथ्य है जो बाहर आएंगे। जी जयतराम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।